ये बाहर बड़े कंप्यूटर इंजीनियर लॉयर और प्रोफेसर बनने वाले लोग घर में ये करते हैं। खाना खाना खाना। जलेबी भाई, जलेबी भाई। नमस्ते, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आई एम गोपाल, आई एम व्लॉगिंग टुडे बिकॉज आई जस्ट लव व्लॉगिंग। आज और कल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बड़े ही मज़ेदार दिन होने वाले हैं। तो हमारे घर में चल रही है पूजा, जिसका आपने पहले का व्लॉग जानवी के चैनल पे देखा होगा। तो अखंड रामायण चल रही है जो 24 आवर्स चलती है, जो कल जिसका प्रारंभ हो गया था और आज उसकी वो होगी, संपूर्ण आहुति होगी। और उसके बाद जनेऊ है, ढोल वाले आ रहे हैं, कल गृह प्रवेश है, सो इट्स जस्ट गोइंग टू बी सो मच ऑफ फन। मेरी आवाज़ ऑलरेडी जा चुकी है, आई एम रियली सॉरी। इस पूरे व्लॉग में आपको एक फटा भेपड़ा सुनना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। मैं इतना चिल्लाई हूँ, इतना चिल्लाई हूँ, आवाज़ जा चुकी है मेरी। अभी मेरे को मेरे ही घर में नहाने के लिए बाथरूम नहीं मिल रही, क्योंकि सारे ही बाथरूम ऑक्यूपाइड हैं। सो अब हम ऐसे ही नीचे जाने वाले हैं। एक आध दो बड़े लोगों से डांट पड़ेगी कि बिना नहाए नाश्ता करने आ गए, बट अब क्या कर सकते, भूख भी लग रही है और नीचे बहुत ही गर्मा गर्म समोसे जलेबी बन रहे हैं। आ जाओ, लेट्स गो, आ जाओ। गुड मॉर्निंग भाणिया। गुड मॉर्निंग। चल नाश्ता किया? चल। हेलो जी, आई एम ऑल रेडी। अभी हमने काफी कैजुअल से कपड़े पहने हुए, जस्ट वेयरिंग दिस बेसिक येलो कुर्ता और दुपट्टा, क्योंकि कल हमने बहुत ज़्यादा हैवी पहन लिया था और हम ना काम ही नहीं कर पा रहे थे। तो जब शाम को ढोल वोल वाले आएंगे तब हम फुल हीरोइन बनेंगे, बढ़िया। अभी हम थोड़े कंफर्टेबल कपड़ों में तैयार हो गए ताकि हम वो कर सकें, थोड़ा घूम फिर के खाना पीना ये सब कर सकें। हम सिर्फ कजिन्स का नाश्ता बाकी है, बाकी सबने नाश्ता कर लिया है। तो अब चले कुछ खाते हैं, आजो 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 आजो, लेट्स गो। कल आधे से ज़्यादा मेहमान आ गए, आज भी थोड़े आ रहे हैं। पूरे घर में ही टेंट वाले गद्दे पड़े हुए हैं। हमें ये थैली में से चने की दाल निकालनी है, ये मिक्स दाल में से चने की दाल, ये देखो। इसमें भी अभी मिक्स दाल है। तो वो निकालना, इसमें डालो चने की दाल। चलो ये देखो, ये बाहर बड़े कंप्यूटर इंजीनियर लॉयर और प्रोफेसर बनने वाले लोग घर में ये करते हैं। अब इनको मजा आने के लिए रुकी नहीं रही ये लोग। गाइस, हमने ना घर में ही फ्लावर लगवाए जिन्हें हमें 2 दिन तक जिंदा रखना है। तो यहाँ पे भूरी बेटी को काम दिया गया। हाथों की एक्सरसाइज हो गई है, और जब आपको चीज चाहिए होती है तब वो खराब हो जाती है, नहीं मिल रही होती है। हमारे पास इतना बड़ा है जो पानी देता है, खराब हो चुका है। इससे ऐसे से फेस पे लगाते हैं और मैं इससे करा कर मचा है, फूल पे लगा रहे हैं। ये केले और सेब काटने प्रसाद के लिए, इतना ज्यादा चौक 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 चौक। प्रिया आंटी अंकल तैयार हो चुके हैं, ये देखो। ओहो हो हो हो, चलो बढ़िया। मेरी सुमा, मेरी माँ, मेरी दोनों प्यारी माँ। ओ दादी नानी, दादी नानी। गाइस, द ट्री हाउस ऑफ तिवारी फैमिली, ये देखो। ओम जय जगदीश हरे। गाइस, क्योंकि अभी यहाँ पे मेहमान आ रहे हैं तो मैं और सेलू हम उनकी खातिरदारी में लगे हुए हैं, और सारी लेडीज पार्टी, मम्मी पापा की बुआ मौसियाँ सब चली गई हैं मंदिर पे पूजा करने, क्योंकि जनेऊ होता है तो तेल चढ़ता है, जो हल्दी की रस्म होती है शादी में, इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट आई गेस। तो वो उसके लिए पूजा करने के लिए मंदिर गए हुए हैं। मैं तो नहीं जा पाई, बट मेरी बहुत क्यूट कजिन है सिद्धि जो गई है, और वो मेरे लिए वीडियो बना के लाएगी। सो आई विल इंसर्ट इट हियर कि मंदिर पे क्या क्या हो रहा है। गाइस, दिस इज सिद्धि जो मेरे लिए वीडियोस बना रही है। थैंक यू सिद्धू। वेलकम।
सब इमोशनल हो गए हैं। गाइस पहले ना हमारा जो सारा खाना पीना था वो हमारे घर में ही होने वाला था, बट क्योंकि इतना धुआं इतनी भीड़ हो गई कि अब खाना पीना हम पीछे वाले प्लॉट में कर रहे हैं। एंड दिस इज द सिनेरियो। ये किसी को दे नहीं रहे क्या? खाना परसने के बाद हमने भी खाना खा लिया था, मैं व्लॉग करना बिल्कुल भूल गई थी ना, मेरे पास मेरा फोन था कुछ भी नहीं था। बट यस अभी हम आ गए ऊपर, वी नीड टू चेंज इन तो सारीज क्योंकि ढोल वाले ऑलरेडी नीचे आ गए एंड आई गेस मेरे फ्रेंड्स भी मुझे ज्वाइन करने वाले हैं ढोल पे। सो हम थोड़ा ढोल पे नाचेंगे, सिर्फ ढोल पे नाचने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप डेडिकेशन देख रहे हो हमारी आवाज मेरी पता नहीं वापस आएगी भी या नहीं आएगी। अब गर्ल इज ट्राइंग सम न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट्स दिस डेज। मैंने अभी विल्वा के मिल्क ड्रॉप्स यूज किए थे और मुझे एक्चुअली काफी पसंद आया। तो जैसे इसका नाम बोलता है विल्वा मिल्क ड्रॉप्स, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ मिल्क बट राइस मिल्क एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। द हीरो इंग्रेडिएंट करेक्ट्स स्किन टेक्सचर एंड रिड्यूसेस डार्क स्पॉट्स। What I do is I wash my face and then I just use this. मुझे ना इसका टेक्सचर बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि ना ही ये बहुत ज्यादा वॉटरी है ना ही बहुत ज्यादा ऑयली है, काफी बैलेंस्ड सा सीरम है ये। दिस जस्ट मेल्ट्स इन योर स्किन और उसे बहुत अच्छी हाइड्रेशन दे देता है स्किन को। द इंग्रेडिएंट अल्फा आर्बिट्रिन हेल्प्स ट्रीट हाइपरपिगमेंटेशन। ऑल्सो दिस हैज नो पैराबेन नो सल्फेट। आप मेरा कूपन कोड गोपाली 20 यूज कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चलो लेट्स गो गाइस। मीट रंजना मामी, इनके जितनी अच्छी साड़ी मुझे आज तक किसी ने नहीं पहनाई है। अगर आपको साड़ी शादी ब्याह में मुंडन में किसी में पहननी है तो प्लीज कॉन्टेक्ट रंजना दुबे। साड़ी पहनाई जा रही है। एक क्लोजेट में इतने सारे लोग हैं सब रेडी हो रहे हैं। बाय द वे मैंने मेरी साड़ी पहन ली है। हम लोग उतर तो रहे नहीं थे, ढोल वालों ने खुद ही ढोल बजाना चालू कर दिया। चलो चलो चलो, ये हमारे भाई जी का जनेऊ चालू हो गया है। सबको चाय वाय पिलाने के बाद मेरा भी नंबर आ गया चाय पीने का। जीनू दीदी कॉफी डबल करना ना, कॉफी चाय तो नीचे बड़े तपेले में बन गई है, कॉफी वाले लोग बड़े कम है तो कॉफी यहाँ पे ऊपर शेफ गरिमा मैम बना रहे हैं। सबको आलू की चिप्स दिखाए। ये मेरे जैन दोस्त, जल्दी खोलो ना, ये जैन लोगों के लिए केले की चिप्स आई है स्पेशल। हल्दी लगने जा रही है और सारे भाइयों को लगानी है टी शर्ट उतार। हाय मैं भी तेल वाली हो गई। ऐसा नहीं होगा दादी, इतनी थोड़ी सी तो हल्दी बनाई है, कितनी सी तो हल्दी बनाई है। सही बात है, कितनी है देख लो, लगवाएगा वो तैयार है। आपका इतना बड़ा लग रहा है। अरे हल्दी के गाने तो बजाओ यार। रगड़ो यार उसको, वो माल वो रगड़ के निकालते हैं हल्दी तब हल्दी का मतलब। ये जितनी भी लगी है ये देखिए हाथ में लगी है, देख दीदी अब इसमें आप दूध डालो। हल्दी वाला दूध बन गया विद मोर हल्दी। गाइस बहुत प्योर हल्दी है, नो मिलावट, नो मिलावट। ये तो एकदम स्मेल भी कर रही है, हमारे हाथ देख सकते हैं। मालो ओ अब तू बाला बाला करना एक बार। ये लोग समझ रहे कैनवस से और इनको येलो पेंट करना है। हमें हल्दी कम पड़ती है, हम लोग और हल्दी बनाने जा रहे हैं। इनको मजे कितने आ रहे थे। हेलो जी, रात हो चुकी है, डिनर का टाइम हो चुका है, मैं पीछे वाले मंडप पे आ गई हूँ, खाना लगने जा रहा है। मानू की हल्दी हो चुकी है, तेल हो चुका है। अभी सारी लेडीजें हर रोज शाम को मस्त ढोलक लेके बैठ जाती है और मस्त अपने गाने गाते हैं, मस्त डांस करती है। अपना पर्सनल ऐसे लाइक प्राइवेट फीमेल क्लब पार्टी टाइप चल रहा होता है इनका। गाइस मैंने खाना टेस्ट किया है, दीदी बहुत टेस्टी भाजी बनी है। ओ मैं तुम दोनों के फोटो, मैं तो पहले ही पुलाव सूंघ के एक चावल बनाए कहीं पे।
ये बना है तवा पुलाव, ये बनी है भाजी। भाजी सर्व करने का काम, भाजी और पुलाव सर्व करने का काम हमें मिला है। ये काम ज्यादा बेटर है, जो लोग खिला रहे हैं ना उनका काम डिफिकल्ट है। तो मैंने और शान ने डे वन से यही वाला काम पकड़ लिया था। प्लेट लगाने के पैसे मिल रहे होते तो अभी तक मैं रही सो चुकी ऑलरेडी है। अगर मुझे प्लेट लगाने के पैसे मिल रहे होते तो मैं अंबानी के बहुत क्लोज होती। यार ओके डुम्मस चलते हैं। एक को डुम्मस जाना है, तुझे कहाँ जाना है? मुझे शादी की, शादी में जाना है। और की सुनो, एक लोगों ने ऐसे तैयार लोग नहीं देखे उन्हें बहुत टाइम। व्हेन आई सी अ गाय ओके आई एम लाइक दिस, बट व्हेन आई सी हिज मॉम जानवी ऐसा लग रहा है मारवाड़ी बहू है। हम जा रहे हैं कहीं तो रखड़ने। हम लोग बहुत काम कर चुके हैं फिर भी हमारे अंदर ताकत है कहीं तो रखड़ने जाने की। आइसक्रीम आइसक्रीम खाएंगे इस आवाज के साथ। मैं आइसक्रीम भी खाने का कॉन्फिडेंस रख रही हूँ, मैं कॉफी पीऊंगी। नहीं सब पागल हो चुके हैं। फूड ट्रक जिस पे हम खा रहे थे वो भी यहाँ से जा चुका है क्योंकि रात के कुछ एक बज रहे हैं। बट वी आर वेटिंग फॉर सेलू। इट इज कजिन्स नाइट, अब बहुत क्लियरली पता चल रहा है। और जीजू हमारे सो चुके हैं ऑलरेडी बेचारे सीधे लोग। और यहाँ पे तमन्ना दुबे से ये फ्री में अनपेड काम करवाया जा रहा है गोपाली तिवारी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मैं सुबह सुबह उठते ही मंडप पे आ गई क्योंकि आज मेन लंच होने वाला है, तो यहाँ पे बस उसी की तैयारी चल रही है। फूड वगैरह भी 11:30 से चालू होंगे, पूजा वगैरह भी कुछ चल रही है कि शार वगैरह लेना पड़ेगा। बट मैं बस देख रही हूँ कि थोड़े बहुत कुछ चेंजेस इधर उधर कराने हैं, वो सब कराते हैं। हमने फाइनली ये दो लेडीजों को पकड़ लिया है। फाइनली बड़ी मम्मी और मम्मी हमारे हाथ में आई है। मम्मी को यहाँ पे साड़ी पहनाई जा रही है और यहाँ पे हमारी मुआ जो है वो अपनी ड्यूटी पे लग चुकी है। उठते ही चाय भी नहीं पी मैंने। हाँ आई एम ऑल रेडी, मैंने मस्त शार ले लिया है। बार बार धुले, मम्मी फुल रेडी हो गई। मम्मी आपको मजा आ रही है? बहुत मजा आ रही है, बहुत मजा आ रही है। इस दिन के लिए बहुत दिन से इंतजार, बहुत दिन से इंतजार। तीनों की आवाज चली चली जा चुकी है बिल्कुल। चलो तो फिर आई शुड ऑल्सो जस्ट गेट रेडी। मैं बस साड़ी बनवा लेती हूँ किसी से एंड देन आई शुड जस्ट डू थोड़ा टप 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 मेकअप। मेरे को नीचे जाना है, मेरे को डेकोरेटर्स वाले बुला रहे हैं। आप लोग बताना आंटी जी कैसी लग रही है। आंटी जी आप गले को इग्नोर करो प्लीज। हेलो जी, आई एम ऑल रेडी। अभी मेकअप गीला गीला लग रहा होगा, मैंने बस अभी स्प्रे मारा है एंड मेरे बाल भी हल्के से गीले। मैंने सोचा था कि मैं कर्ल्स वगैरह करूंगी बट बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बट ठीक है, ओवरऑल आई लाइक इट। आई एम लविंग माई इयर रिंग्स, लुक्स वेरी प्रीटी। मैं आपको फटाफट मेरी साड़ी दिखाती हूँ और दौड़ती हूँ। दैट्स हाउ माई साड़ी इज लुकिंग। चलो लेट्स गो गाइज, वी हैव सम यम यम स्टार्टर्स। भैया ये क्या है? पिज्जा ऑन टोस्ट। ओके, वी हैव सम स्मूदी। We are doing some taste testing. Pujan is making us taste the food before we serve everybody. Yeah, I don't know. I mean, you will tell me. I don't know if you're doing good work or not. No, you guys do good work. Guys, I'm food testing kar rahe hain. Mera pet sirf food testing se hi bhar jana hai. But I love being a host. Mujhe bahut maza aata hai. I genuinely enjoy this. Very nice. It's nice. I genuinely enjoy doing this. Feeding people, greeting them, welcoming them. लंच चालू हो चुका है, लोग आने लग गए हैं। फीड्स वेरी गुड, जैसे हमने सोचा था मस्त वैसा हो रहा है। ये आई एम सो हैप्पी। सो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैंने सारा इवेंट ऐसे लाइक प्लान किया है एंड आई हैव एग्जीक्यूटेड इट, सो आई एम हैप्पी। दीक्षा में ही करना है, जाओ जाओ जाओ। दीक्षा में मोबाइल ही दे दे, आईफोन। दीक्षा में आईफोन चाहिए इन्हें। हमें ऑल गुड, मजे आ रहे हैं। इस भिक्षा देनी है, हम भिक्षा में इसको चीज केक दे रहे हैं, बाकी सब आटा वाटा दे रहे हैं। सब लोगों का खाना पीना हो चुका है, हम बैठे हैं। ये मेरे फ्रेंड्स, ये मेरे कजिन और बाकी लोग आ रहे हैं। गाइस फंक्शन खत्म होने के बाद सबकी हालत कुछ ऐसी हो गई है, सब पड़ गए हैं, सो टायर्ड। मैंने अकेले अभी तक साड़ी पहन रखी हुई नहीं, मेरे को तो नाइट सूट में चेंज करने का मन कर रहा है। मैं शायद नाइट सूट ही पहन लेती हूँ। इन सब लोगों ने तो बड़े शौक से सूट पहन लिया है वापस, बट आई एम डन। मिठाई के डब्बों पे ये लेबल लग रहे हैं। इट इज डिनर टाइम। मैंने मेरे नाइट सूट के ऊपर बिंदी लगा रखी है। आई फील लाइक सम
बहु बड़सों के ये लास्ट डिनर होने वाले से हम सब मिलके सर्व कर रहे हैं क्योंकि कल थोड़े लोग चले जाएंगे, थोड़े परसों फिर ऐसे धीमे धीमे कम होंगे। अभी भी वो लंच वाला सेटअप है तो अभी तो हम डिनर यहीं पे करने जा रहे हैं। तो बेसिकली सारी पूजाएं खत्म हो चुकी है, तो जो अखंड रामायण चल रही थी जो 24 आवर्स की थी वो भी खत्म हो गई, और हल्दी लगनी थी मानू को वो भी हो गई, जो जनेऊ की रस्म होती है वो भी हो गई, तो सारी पूजा आज खत्म हो चुकी है, हवन वगैरह सब कुछ हो चुका है। सो ये वी आर हैप्पी। और हमने गृह प्रवेश इसलिए लेट कराया क्योंकि ऊपर जो बड़ी मम्मी बड़े पापा का घर था वो अभी बना है, और हमारा ओवरऑल घर बाहर से भी पूरा अभी कम्प्लीट हुआ है, हमारा सिर्फ अंदर अंदर वाला हमने कम्प्लीट करके हम रहने चले गए थे। पहले रेलवे स्टेशन में दिस रात को यही करना था तो गली में तू ही चाचू। चाचू का चेहरा इतना डिसअपॉइंटेड अपने बच्चों के टैलेंट देख के, चाचू ये इसलिए ना पढ़ा लिखाया था मैंने। पानी का वाटर वाला, पानी का वाटर ठंडा पानी तू करता है ना पार्ट टाइम यही, बता मुझे तेरे टर्फ के पैसे निकालने के लिए। बनवाऊंगा वो खुद ही बना लूंगा आपकी जरूरत नहीं। प्रतीक मामा ने एक बार और आवाज निकाल, कहते एक ही बार निकालूंगा, मामा ने बोला सिक्स पैक बनवाऊंगा। किसी काम किया किसी लड़के ने, इस लड़के ने सबसे ज्यादा काम का लड़का है, शादी मंगना ब्याह में घर का यूजिंग चेयर। ओए मैं तो वेट कर रही हूँ, मेरा एक अकेला भाई जिसके सिक्स पैक्स होंगे। ये तेरे मुंह पे ताना था, तुम दोनों के मुंह पे ताना। मैं भी देखता हूँ मेरी कौन सी बहन जो मेरे को दिखती है। गाइस यहाँ कॉन्सर्ट भी चला दिया है हम केटर वालों ने इस समय। चुप करा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। जल के दिखला आजा, एक बार आजा 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 आजा। चले भी भाई गाइस, आफ्टर पार्टी सिर्फ हमारी नहीं इन लोगों की भी चल रही है। यहाँ पे ना ये कुछ उसको नफ्तौरा वगैरह बोलते हैं वो चल रहा है, सब मस्त झोला बजा के डांस कर रहे हैं। आई एम नॉट एट ऑल टायर्ड राइट नाउ, मैं हर रोज थक जाती थी, बट आई हैव सो मच ऑफ एनर्जी टुडे बिकॉज़ आई हैड सो मच ऑफ फन, बहुत मजा आई। जितने भी इवेंट्स थे ना वो सारे आज खत्म हो गए, सो आई फील वेरी रिलैक्स, बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही इस वजह से। गाइस हम लोग खाना पीना खा के आ गए हैं बड़े पापा वाले फ्लोर पे, और यहाँ पे आप खेलने वाले हैं आखिरी चोली क्योंकि फ्लोर अब भी पूरा खाली किया हमने, गद्दे वद्दे उठाए हैं, पूरी पलटन यहाँ पे है, और ये हमारे अंपायर, इनके बिना मैं खेला नहीं जा रहा था नीचे, सो हम ऊपर आ गए। चलो स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। तेरा नाम क्या? मेरा नाम? अरे ना ये दाम आता हुआ जीनू दीदी का। अरे यार नए घर में खेलने की मजा अलग है, यहाँ तो कोई कोना नहीं पता हमें। अरे मुझे गेम में हुआ है चेंज, अब हम खेल रहे पासिंग द पार्सल। गाइस फाइनल कॉल, ये लास्ट फाइनलिस्ट। ये देखो ये पागल हो जीत गई जीत गई जीत 100 रुपए जीनू दीदी। मोंजोली का वर्सेस कुत्ता।
भाई इट इज क्रेजी, मतलब हम सारे लोगों ने बचपन में जितने कांड किए हैं ना, हम कब से बैठ के वही डिस्कस कर रहे हैं। गोपाली दीदी ने आग लगा दी थी, उन सब की जो रानी है वो रानी है गोपाली दीदी। हम सब नीचे एल्डर में आर्मी है उनकी जो कर बट आई विन द कांड उसके घर पे तो आराम से तारक मेहता का शो चल रहा है, मम्मी तो नहीं है वो लड़का। आंटी इसने ऐसा ऐसा किया, जबकि मैंने कुछ किया नहीं, उसने झूठे आरोप मेरे पर लगाए और मम्मी तुमने ये किया, मम्मी ने उधर एक तो मैं रो रहा हूँ मेरे को लगी है चोट, मम्मी ने उधर और मारा गया तुम्हारा। अब ले किस वजह से गए थे सामने लड़ने के लिए मुझे, और वहां से दो चार थप्पड़ लगाते हुए घर पे लेके आए और बेइज्जती। सबको नाश्ता कराने के बाद अब बारी हम लोगों की नाश्ता करने की। ये दोनों देवरानी जीजानी एक दूसरे के बिना खाना खाती नहीं, इधर उधर घूमती रहती है। बहुत ही मस्त नाश्ता बना है, जलेबी समोसे खमन निद्रा, इट्स लाइक यूपी और गुजरात का फ्यूजन बट इट्स वेरी अमीज। सो हम लोग बस नाश्ता करने जा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट टाइम इट इज, और पता मैंने ना, मैं सुबह सीधी उठी और मैं बिना मुंह धुले नीचे आई हूँ कि नाश्ता मिला सबको कि नहीं मिला। हेलो जी, शाम हो चुकी है, शाम के बेसिकली रात हो चुकी है और कल हमारे सारे फंक्शंस रैप अप हो गए थे। आज सुबह से हम लोग सिर्फ बैठ के जो काम वाम थे वो कर रहे थे, टेंट वाले सारा सामान लेके जा रहे थे, बर्तन बड़े बड़े सब जा रहे थे तो वही सब समेटवा रहे थे और थोड़ा अपना काम वाम देख रहे थे बैठ के। अभी शान इज गोइंग, तो हम सब पूरी देखो टीम जा रही है उसको रेलवे स्टेशन पे छोड़ने, फिर रास्ते में थोड़ा अपना चक्कर मटर 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 करते हुए आ जाएंगे हम घर पे। That's the plan, but पता हम सबके गले ऐसे हो चुके हैं, सबके मुझे लग रहा है अभी ठीक भी होगा या नहीं होगा। जानवी ऐसे चाय लेके घूमती रहती है। खुशी ना आ जा, चल बाय 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 बाय। गाइस जो हम साड़ियां लेके आते हैं वो फाइनली बटने लग गई हैं, आई फील गुड नाउ। लो फाइनली सारा जो हमारे फंक्शन का काम था वो सब खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी हैज लेफ्ट। मैंने अभी थोड़े से धांधलगर्जी वाले काम कर दिए, जस्ट सो पिस्ड ऑन माई सेल्फ। आई वॉज सपोज टू अपलोड सम अदर वीडियो, मैंने कुछ अलग भी, वो जो मेला वाला ब्लॉग है वो वाला ब्लॉग भी, वो फर्स्ट ड्राफ्ट था जो हमने ब्रांड को भेजा था। तो मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आप लोग देखते नहीं हो बट वो पीछे बहुत चीजें चल रही होती है। काफी बार ब्रांड्स को आपको बार बार चीजें भेजनी पड़ती है, बिकॉज दैट इज हाउ वी अर्न, ब्रांड प्रमोशन ऑल ऑफ दैट इज अर बिजनेस। तो हमने ब्रांड को चीजें भेजी, फिर वो अप्रूव नहीं हुआ, फिर चेंजेस हुए, फिर हम, क्योंकि मुझे वीडियो लाइव करनी थी मैंने वो निकाल के अपलोड की, फिर मैंने अपने पर्सनल टचेस डाले। मेरे पास जितना ज्यादा टाइम था मैं उतना ज्यादा पर्सनल टचेस डालती रहती हूँ एंड मोमेंट तक, क्योंकि मुझे मजा आती है वो अपने आपको रोज करने वाली वन लाइनर्स वगैरह लिखने में। सो आई ऑलमोस्ट डिड गुड चेंज, लाइक मैंने 4-5 घंटे दिए थे वो वीडियो को, एंड देन आई जस्ट स्टूपिडली आई वॉज मल्टीटास्किंग सो मच। आज इतना क्योटिक था, इतना क्योटिक हो गया था सब, क्योंकि सब जा रहे थे, मैं काम भी कर रही थी और एक आध दो चीजें घर में से फैमिली होती है तो इधर उधर सब चलता रहता है, थोड़ा सा रायता ना फैले तब तक, क्या फैमिली फंक्शन किया तुमने, तो थोड़ा सा रायता वायता भी इधर उधर होता रहता है। सो दिस स्टूपिड क्यूट लिटिल गर्ल जस्ट अपलोडेड दैट फर्स्ट ड्राफ्ट, जो नहीं करना चाहिए था मुझे, कतई ही नहीं करना चाहिए। मैंने दूसरी बार किया है अपनी छोटी सी YouTube करियर की हिस्ट्री में, दूसरी बार। अब अगर ये तीसरी बार किया ना तो मैं बताती हूँ इसको, सीधा करूंगी मैं बिल्कुल। और पता है अभी ये एक मिस्टेक की वजह से ना, वो होता है ना कि जब मम्मी आपको डांटने बैठती थी पहले तो आपने एक गलती की होती थी, पर फिर वो मम्मी जब डांटने बैठती थी तो आपको पुरानी गलतियों पे भी बहुत डांटती थी। मेरा दिमाग अब वो मम्मी बन चुका है, मैंने भी एक गलती की तो मैंने जो पास में और गलतियां की, मेरा दिमाग अपने आपको मेरे को बोल रहा, तू ये भी करती थी, तूने ये भी किया, तू है लुच्ची। सो दैट बट यार द व्लॉग वॉज वेरी क्यूट बट एंड थोड़ा सा ऐसे हो रहा है। आई होप आपको हमारा ये वाला वीडियो देखने में मजा आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और ये व्लॉग थोड़ा सा इधर उधर होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही थी एंड बिकॉज आई ट्राइड बींग अ होस्ट, इट वॉज लाइक यू नो लाइक फ्रेंड्स को होस्ट करना ही समथिंग डिफरेंट, फैमिली को लाइक बड़ी फैमिली को होस्ट करना ही समथिंग डिफरेंट, बट आई लव्ड इट, आई एंजॉयड इट, बहुत मजा आई। आपको भी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम गोना सी इन माय नेक्स्ट वन, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई एम ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटफुल टू गाइस। टाटा।